अलैकुम, वेलकम टू अली परफ्यूमरी एंड ऑयल सेंटर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टॉपिक जो गुलाब के बारे में बात की थी, आज उसी वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। आज उसका पार्ट टू है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल वीडियो बताएंगे, क्योंकि आज हमारे पास जो डिफरेंट वेरिएंट हैं उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। ये आप जो हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जो आज भी हमारे पास चार वेरियंट्स हैं, ठीक है, जो बेस्ड हैं गुलाब के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, हमारे पास और भी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो जो है इन चार जो वेरिएंट्स हैं उस पर है, जो कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। एक एक करके इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ, फिर आपको ताकि आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले है जो हमारे पास, वो है मस्की रोज़। मस्की रोज़, मस्की रोज़ को जो है, सबसे पहले जो मैं आपकी बात इसमें बता दूं, अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी हो जो कि हमने बनाई थी मस्क के ऊपर, जो मस्क होते हैं बेसिकली वो अप्लाई होते हैं बॉडी पे अप्लाई होते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपके बारे में उसके बारे में एक डिटेल बता सकता हूँ कि जो हमारे पास मस्क थे, ठीक है, वो हम डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई करते थे। वो आफ्टर शावर डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई होते थे, कपड़ों पे अप्लाई नहीं होते थे। और वो एक थिक क्रीम होती है, जैसे कि आप मस्की रोज को देख रहे हैं, वो भी एक थिक क्रीम है, ठीक है। इसको लगाना, ठीक है, पहले तो इसको आप यूँ लगा के ऐसे इसको लगाएंगे, वो है क्रीम की तरह आप इसको लगाएंगे, ठीक है, क्रीम की तरह इसको यूज़ करेंगे। जैसे आप मस्क को यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे। इसकी फ्रेगरेंस के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसकी फ्रेगरेंस थिक है, टू ट्यून फ्रेगरेंस है, जैसे मस्की होती है वैसी इसकी फ्रेगरेंस है। रोज़ का टच है बीच में, ठीक है। और इसको आपने जब यूज़ करना है तो इसको आपने एज अ क्रीम, एज अ मस्क ही यूज़ करना है। अब जो हमारा दूसरा वेरिएंट है, ठीक है, रुए गुलाब, हमने पहली वीडियो में जो किया, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था जो रुए गुलाब वो सिंपल था, ठीक है। अब ये जो रुए गुलाब है ये इंडियन है, ठीक है। इसको मैं फ्रेगनेस इसकी आपको बताता हूँ कि उसमें और इसमें फ़र्क है। जो रुए गुलाब था, ठीक है, उसे अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो फर्स्ट वाली, ठीक है, इसका जो पार्ट वन था, तो उसमें हमने रुए गुलाब के बारे में बात की थी। जो रुए गुलाब इंडियन नहीं था, मतलब सादा था, ठीक है, ये रुए गुलाब इंडियन है। इसमें उसमें ट्यून का फ़र्क है, इसकी थोड़ी हार्ड ट्यून है, ठीक है। और इसमें वही बात है कि इंडिया के जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो आम जो हमारे पास वेरियंट्स होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इसकी जो ट्यून्स होती हैं वो उसमें वन से ज़्यादा एक ट्यून्स आ रही होती हैं, मतलब कोई एक सिंपल एक उसमें फ्रेगनेंस नहीं होती। जैसे हमारा सिंपल जो था रुए गुलाब, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा हार्ड ट्यून में है और थोड़ा जिसे कह सकते हैं दरबारी टाइप अतर्स होते हैं ये उसमें, ठीक है। अब ये है फसले गुलाब इंडियन जो है, इसको करते हैं स्मेल। ये बेसिकली हमें जो अगर मैं बताऊं, इसमें टू टोन है, एक हम सिंपल जो रोज़ है, ठीक है, जो फ्रेश रोज़ था हमारा, अगर पहला वेरिएंट जो आपने अगर वीडियो देखी उसमें वही बात है कि उसमें जो फ्रेश रोज़ था उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें उससे वैसी है जैसे फ्रेश रोज़ की खुशबू आ रही है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क इतना है, ठीक है, कि ये उससे ज़्यादा हार्ड टोन में, वो थोड़ी लाइट टोन में थी क्योंकि वो नेचुरल एक जो है ना एक फ्लावर की फ्रेगनेंस थी, ठीक है, ये उससे थोड़ी हार्ड टोन में है। अब जो हमारा फोर्थ वन है, ठीक है, वो है संदल रोज़ इंडिया, ठीक है। इसमें इसको फ्रेगनेंस को हम स्मेल करते हैं, देन मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये इसको मैंने उठाया तो ये एज अ थिक है, जैसे मस्की रोज़ था जैसे क्रीम में था, अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, ये देखें, ठीक है, ये थोड़ा थिक अतर में आ जाता है, ठीक है। इसमें संदल का टच है, इसको भी जब आप यूज़ करेंगे ना, ठीक है, इसमें एक थिक अतर है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, जो कि थिक अतर होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग। वो के जो थिक अतर होते हैं, जैसे मैं बता रहा था, वो उनकी लास्टिंग ज़्यादा होती है,
आम अंतरों से लास्टिंग उसकी ज़्यादा होती है और वो डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, वो कपड़ों पे आप नहीं लगा सकते। तो आज भी हमने जो है हमारे जो चार वेरिएंट्स थे गुलाब के बारे में, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बात की। इंशाल्लाह एक और भी हम वीडियो बनाएंगे जो कि गुलाब पे ही बेस्ड होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि अतर्स और ऑयल से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।